गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं सो कर उठी हूँ और बहुत ही अजीब सी थकेली सी लग रही हूँ। तो आखिर मैं सो कर उठी हूँ और अभी सुबह के बज रहे हैं 11। तो मैं रात को सोई भी थी, सुबह सोई थी 6:45 बजे, क्योंकि सोने की तैयारी हमने 4:30 कर ली थी, बट जीविका अपने चाचू के पास सो गई थी। और फिर अचानक उठ के, जैसे ही आँख लगी ना मेरी, अचानक उठ कर वो वापस आ गई और कमरे में टक 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 आवाज़ें दे रही थी। फिर वो आई, फिर वो सोई नहीं उसके बाद, तो फिर वो बेड पे बदमाशी करती रही। तो मुझे 6:45 बजे 6:30 बजे नींद आई है, तो तब मैं सोई। तो मैं 11 बजे उठी हूँ आज और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहा कर और फ्रेश होकर मिलती हूँ, फिर ब्लॉग को आगे बढ़ाती हूँ। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा, बता नहीं सकती। तो ये मैं नहा ही लूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो मैं नहा चुकी हूँ, तैयार हो चुकी हूँ। और एक चीज़ बता दूँ कि छत पे ना देखो बादल से लग रहे हैं, वरना मैं अभी कह रही थी गर्मी है और मैं छत पे आती क्या, लेकिन बादल बादल सा है। सच्ची बताऊँ तो मैंने खाना भी खा लिया, बहुत दिखाया ही नहीं, क्योंकि फिर एक बात बोलोगी तो मेरे जो पुराने वाले चैनल पे लोग मेरा बहुत मजाक बनाते हैं कि मैंने खाना खा लिया और इसलिए नहीं खाया क्योंकि मैं डाइटिंग शुरू कर रही हूँ। अब हंसो भाई, हंस, मैंने तो मजाक खुद ही बना लिया अपना, तो हंस सकते हो क्योंकि हर बार बोलती हूँ डाइटिंग शुरू कर रही हूँ और फिर कुछ भी खा लेती हूँ, एक्सरसाइज नहीं करती। तो आज कुछ है, कुछ नया करने जा रही हूँ, दिखाऊंगी आपको क्या, बहुत मज़ा आएगा। आफ्टर 10 ईयर्स, नो आफ्टर 7 ईयर्स मैं वो काम करने जा रही हूँ। और आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं वापस जिम कर रही हूँ। आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी बिकॉज लाउड म्यूज़िक। तो देखो मैं वर्कआउट कर पाती हूँ या नहीं, ये मेरे लिए चैलेंज है। अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है बिकॉज थक चुकी हूँ, मुझे हैबिट नहीं है इतना एक्सरसाइज करने का, तो उस हिसाब से मुझे अब थकावट हो रही है। जिम से आने के बाद मैंने ब्लॉगिंग की नहीं बिकॉज फर्स्ट डे था, तो थोड़ी सी मैं ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। और फिर उसके बाद इतनी ज़ोर की यहाँ पे आंधी आई, इतनी ज़ोर की आंधी आई कि लग रहा था सब कुछ उड़ जाएगा। न्यूज़ में भी देखा ही होगा आप लोगों ने कि दिल्ली में कितनी ज़ोर की आंधी आई थी। तो अभी मैं उठ गई हूँ, नहा लिया है मैंने। और क्या, आज सोच रहे हैं हम कि अभी जिम जाएंगे, अभी मतलब 12 o'clock तक। तो देखते हैं आज मैं फर्स्ट डे में क्या वर्कआउट करती हूँ। एंड अभी मैंने आमंड खाया है और तो अभी कुछ नहीं लिया हूँ। और टी की जगह पे मैंने दालचीनी और अदरक वाली जो पानी में उबाल कर पीते हैं वो मैंने लिया है आज। वेट बढ़ाना बहुत इजी है, फटाक से बढ़ जाता है, और वेट को कम करना बहुत मुश्किल है। मेरी मदर इन लॉ कहीं गई हैं, तो अभी जीविका सो रही है, मदर इन लॉ कहीं गई हैं, जितिन फ्रेश हो रहे हैं मेरे हस्बैंड, और देवर सोर है, पापा वॉक पे गए हैं, तो अभी कोई नहीं दिख रहा है मेरे अलावा। मिलती हूँ थोड़ी देर में। और अभी मैं आकर ऊपर छत पे बैठी हूँ। जिम से आने के बाद मैंने अपने कपड़े चेंज किए, थोड़ा सा रेस्ट किया, लंच वगैरह किया, उसके बाद इतनी ज़्यादा थकावट हो गई और इतना दर्द होने लगा मुझे पैर हाथ में कि पूछो मत। और अभी मैं पी रही हूँ चाय, ये क्या पड़ गया चाय में,
बट ये दूध वाली चाय नहीं है, ये जैसे अदरक वगैरह डालकर वो वाली चाय बनाते हो ना आप, काढ़े जैसी वो है। और मौसम आज का बहुत ज़्यादा, आप ये नहीं कह सकते कि बहुत गर्म मौसम है, अच्छा मौसम है। मैंने दिन में भी एसी नहीं चलाया तो समझ सकते हो कि इतनी गर्मी नहीं है यहाँ पे। और देखो ना, जीविका आई और जीविका की दादी ने उसको गिफ्ट्स दिए हैं, तो मैं दिखाऊंगी क्या गिफ्ट दिए हैं। ये होता है, वो वेट कर रहे होते हैं कि जीविका आएगी। और जीविका आपने उल्टा फ्रॉक पहना है बेटा, तो अच्छा तो लग रहा है। अच्छा क्यों लग रहा है? ठीक है, सेम लग रहा है, पीछे भी सेम। तो जीविका को दादी ने गिफ्ट दिया, क्या दिया बताऊंगी मैं। तो जीविका आई और जीविका को उसकी दादी ने गिफ्ट दिया है, तो उन्होंने लेके ही रखा था जीविका के लिए और आज दिया है उन्होंने। तो मैं दिखाऊंगी कि जीविका को क्या गिफ्ट्स मिले। और जीविका जब आने वाली होती है तो पहले से ही दादू दादी वेट कर रहे होते हैं कि आएगी और उसको कुछ ना कुछ देंगे, वैसे तो देते ही रहते हैं, सब कुछ उनका ही है। तो मैं तो जीविका दिखाऊंगी क्या है। हाँ दिखाओ, वन बाई वन। पहले तो हमारे पास एक जीविका ही दिखाएगी क्योंकि जीविका ने बोला था कि जीविका खुद दिखा। वाओ वाओ, इट्स वेरी नाइस, दिखाओ तो अच्छे से। आप बहुत जल्दी फोल्ड कर दे रहे, दिखाओ बेटा इसको अच्छे से। एक एक सुंदर सा पीछे से आपको दिखाते हैं पहले। और ये ऐसा है, जैसा है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। दिखाओ स्टफ कैसा है। वेरी नाइस, बहुत सॉफ्ट स्टफ है। वेरी सॉफ्ट, मेरे ऊपर रख रहे हो आप। और एक ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये ये दो है और इसके नीचे शॉर्ट है ना, इसका शॉर्ट है, शॉर्ट ये है ब्लैक कलर का, इसका शॉर्ट है। ये भी थोड़ा अच्छा है, सॉफ्ट। और ये जीविका को बताने का तरीका देखना जैसे कोई आंटी बता रही है। इसके साथ मिला है मुझे एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सा एक पैंट, नाइट ड्रेस, राइट। और इसके ऊपर कौन सा टी शर्ट है? इसके पास एक सुंदर सा एक डोनट टी शर्ट। ओ, इसमें तो डोनट बने हुए हैं, खा लो। इसपे ऐसा पहन सकते हो, मैचिंग मैचिंग है एकदम। कैसा लग रहा है जीविका? बहुत सुंदर कपड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? मुझे अच्छा लग रहा है। मुंबई को मिस कर रहे हो? हाँ थोड़ा मिस कर रही हूँ। तो बस हम बेटा मेरे ऊपर रख दियो, जाओ बेड पे रख दो सारा, उठा के रखो, चलो ये लो। तो बस हम सडनली वहाँ से निकल गए थे, कुछ प्लान नहीं किया था अचानक से, मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, मतलब बोले जा रही हूँ। 7:00 हमें मालूम पड़ा है कि हमें निकलना है और फ्लाइट की टिकट मिली है, और 9:00 हमें घर से निकलना था। उस बीच मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, कोई पैकिंग नहीं किया था मैंने, कुछ भी नहीं किया था। 12:30 की हमारी फ़्लाइट थी, तो विद इन 1.5 hours हमने सारा काम किया जल्दी जल्दी। जीविका ने अपनी खुद पैकिंग कर ली, मैंने बहुत मुश्किल से मैंने पैकिंग की और कपड़े आ नहीं रहे थे, वैसे बंद नहीं हो रहा था। तो अभी जीविका इतनी समझदार है कि अपना काम कर लेती है, तो उसने अपनी पैकिंग की, मेरे हस्बैंड ने अपनी, मैंने अपनी, तो ओवरऑल हो गया और हम निकल गए। और देखा ही आपने एयरपोर्ट पे कितना सन्नाटा था, तो इसलिए। और इस बीच में आई हूँ तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, तो थोड़ा सा एक दो दिन गैप हो रहा है व्लॉग में, बट कोई नहीं, चलिए। तो फिर अब यहीं से भी व्लॉग आएंगे कुछ दिन तक, ठीक है। तो इस व्लॉग को मैं चलो एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और नीचे बेल आइकन उसको दबा दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसा कोई काम ना कीजिएगा जिससे मैं देख लूँ चाहना है हमारे फैमिली मेम्बर्स को। और सेफ्टी जरूर रखिएगा और मास्क सैनिटाइजर और जब आए 20 seconds हाथ जरूर धोइएगा। ओके बाय। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, लेकिन दो चार बात बोलूँगी। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग मेरी सासू माँ से मिलना चाहोगे या फिर यहाँ का होम टूर देखना चाहोगे, क्या देखना चाहोगे बताना, ठीक है। बाय बाय।